बेल पेपर अर्थात रंगीन शिमला मिर्च देखने में जितनी सुंदर है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट। और अगर यह आसपास में ही खाने को उपलब्ध हो जाए तो बात ही क्या है। आइए आपका परिचय कराते हैं बेल पेपर की खेती करने वाले युवा श्री लोकराज मौर्य जी से। वैसे तो आप कंप्यूटर साइंस में परास्नातक हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर एक नेटवर्क इंजीनियर की नौकरी भी करते थे, लेकिन नौकरी रास नहीं, क्योंकि जीवन के लक्ष्य कुछ और ही थे। IVRI का कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यान विभाग बरेली, बैंक ऑफ बड़ौदा, नेबार्ड और सरकार की योजना, इन सभी के नेटवर्क एवं मदद से श्री लोकराज जी ने पॉली हाउस बनाकर उनमें बेल पेपर की खेती शुरू कर दी। श्री लोकराज जी ने बेल पेपर के बीज से लेकर उसकी पूर्ण तुड़ाई तक गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया है। जैविक खाद, जैविक तरल पदार्थ जैसे बायो NPK, वर्मी कंपोस्ट खाद आदि का ही प्रयोग करते हैं। सामान्यतः पॉली हाउस में बेल पेपर 10 माह की फसल है, परंतु इन्होंने निरंतर प्रयत्नशील रहकर तथा विशेषज्ञों की सलाह से इसकी अवधि को बढ़ाकर 11 माह तक ले जाने में सफल रहे हैं। इन्होंने मृदा में निमेटोड जैसी समस्याओं को भी नियंत्रण करने में सफलता पाई है। फसल की तुड़ाई के बाद विपणन के लिए बेल पेपर के आकार, रंग, कठोरता, वजन आदि गुणों के आधार पर उसकी ग्रेडिंग तथा पैकिंग करते हैं। पॉली हाउस से वह सीधा अपना उत्पाद दिल्ली की आजादपुर मंडी, कानपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ आदि बड़े शहरों में विक्रय एवं नेपाल को भी निर्यात करते हैं। लगभग 350 क्विंटल रंगीन शिमला मिर्च का प्रतिवर्ष उत्पादन कर वह लगभग 20 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करते हैं।